आपके वोट की कोई अहमियत नहीं है, याद रखो मेरी इस बात को। अगर आप समझ रहे हैं कि आपके वोट की अहमियत है, आपके वोट की कोई अहमियत नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस है, केजरीवाल है, कोई वोट की अहमियत नहीं है आपकी। ये दिल्ली का मुख्यमंत्री हमारे बच्चों के, छोटे मासूम बच्चों के हाथ में झाड़ू देना चाहता है, कांग्रेस इन बच्चों, मासूम बच्चों के हाथ को खाली रखना चाहती है, और बीजेपी हमसे हाथ नहीं मिलाना चाहती। बीजेपी हमसे हाथ नहीं मिलाना चाहती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए मेरी इस बात को कि आप ही को तलाश करना पड़ेगा अपने मर्ज का इलाज। आपने ये सोचा 50 साल से कि नहीं, ये मेरे मर्ज की दवा है, ये मेरे मर्ज की दवा है। मर्ज बढ़ता गया, मर्ज बढ़ता गया, इतना बढ़ गया कि अब गरीबी की सतह के नीचे गिर आप आ चुके हैं। इसका एक ही चीज वाहिद वजह है कि आपकी सियासी आवाज नहीं है, आपकी सियासी ताकत नहीं है। हर कोई समाज का एक सियासी लीडर है, मगर अगर आप कहेंगे कि अल्पसंख्यक समाज क्यों नहीं अपना लीडर बनाती, तो सब बोलेंगे, कांग्रेस बोलेगी, बीजेपी बोलेगी, आप बोलेगी, नहीं नहीं, इससे फिरका परस्ती बढ़ेगी। अच्छा, जो ठाकुर का लीडर होगा, जो ब्राह्मणों का लीडर होगा, जो बनियाओं का लीडर होगा, जो ओबीसी का लीडर होगा, यादवों का होगा, मगर अगर किसी का लीडर नहीं देखना चाहते तो आपका लीडर नहीं देखना चाहते। नहीं, मेरे आप सुनिए मेरी बात को, बा ओवैसी साहब, अरे ओवैसी क्या करेगा, ओवैसी क्या हर मर्ज की दवा है? क्या मेरे पास जादू की छड़ी है? आपके पास है जादू की छड़ी, वो वोट है। अगर आप होश के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आप देखना, आप एक मर्तबा मजलिस के कॉरपोरेटरों को कामयाब करो, 4 तारीख को पोलिंग करो मजलिस के हक में। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, चुनाव यहां से जीतो, हाजी रईस को जिताओ, उबैद को जिताओ, हमारी बहन को जिताओ। 1 महीने के अंदर जनवरी खत्म होने से पहले दिल्ली का मुख्यमंत्री इस चौरस्ते पर आकर बोल देगा कि भैया माफ कर दो, ओवैसी के बातों में मत आओ। आज क्या है इनका मिजाज? ना ना, ये मुल्ला जी कहां जाएंगे, बीजेपी के डर से हमको वोट देंगे। मैं आपको कह रहा हूं, दुनिया में अगर आए हैं तो रब्बे करीम के हुक्म से आए, डरना किसी हुकूमत से नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है, बाबा साहिब ने कानून बनाया। अगर जो कानून ओवैसी के लिए, वो कानून मोदी के लिए भी है। कानून अगर एक है तो मेरे लिए भी एक है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए भी एक है। तुम ताकत में हो तो इसका यह मतलब नहीं हो कि मेरे हक को छीन लोगे। मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, इसीलिए आपसे अपील कर रहे हैं कि 4 तारीख के दिन अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए।